तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्रैश कोर्स का डे नंबर 32। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बता देना कि हिंदी का जो पोर्शन है उसमें क्रैश कोर्स में मैंने कौन सा टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया है। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मैं चेक नहीं कर पाऊंगा ओल्ड वीडियोज़। तो एक जितने मतलब आप लोगों ने नोट्स वगैरह बनाए होंगे जिसने भी, या जो रेगुलरली फॉलो कर रहा है, वो एक चीज़ चेक कर देना कि हिंदी का जो पोर्शन है उसमें क्रैश कोर्स में कौन सा टॉपिक नहीं छूटा है, मतलब कौन सा टॉपिक छूटा है। विलोम शब्द मत लिखना, और आपका पर्यायवाची मत लिखना, वाक्य शुद्धि मत लिखना, और इस टाइप की जो बेसिक जो मैंने आपको बताया था कि ये मैं नहीं कराऊंगा, मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताना आप बता देना कि कौन सा छूटा है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, डे 35 के बाद हिंदी नहीं आएगी। ठीक है, 32 है यानी डे 35 के बाद हिंदी स्किप हो जाएगी। हिंदी के स्थान पर कंप्यूटर और रीजनिंग, ठीक है, यानी कंप्यूटर रीजनिंग करंट अफेयर किसके स्थान पर आ जाएगा, हिंदी के स्थान पर। उत्तराखंड नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है धीरे धीरे आपको लग गया होगा कि सर ने बढ़ा दिए हैं, तो आपके 90 क्लासेज उन तक उत्तराखंड की चटनी हम लोग बना देंगे, और जीएस का तो हम कचुंबर बना देंगे। मतलब फिर एनसीईआरटी ऐसा बना के जाएंगे कि कहीं से स्कोप ही नहीं रहेगा कि वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे, हमारा पूरा तैयार रहेगा एनसीईआरटी वाला पोर्शन। ठीक है, फिर हंस दो, फिर मुस्कुरा दीजिए, फिर खुश हो जाइए, एक बार होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप चीजें पढ़ रहे हैं आपका मतलब ये जो क्रैश कोर्स है ना बच्चों, वन डे एग्जाम में आप कभी भी जाएंगे, अगर स्पेशली उत्तराखंड में हो रहा, उत्तराखंड के वन डे एग्जाम के लिए हमेशा इस क्रैश कोर्स को रिवाइज करके जाना, क्योंकि ये एक प्रॉपर आपका अगर नोट्स बना हुआ है, जब आप मतलब टाइम पे आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तब आपके भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, हिंदी में देखिए मैंने आपको संधि कैसे छांटनी है, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ स्वर संधि लिखा है तो उसको बताया था। अब मैंने संधि विच्छेद वाला पोर्शन आता है, देखो मैंने दूसरी चीज गुण संधि के लिए जो आपको कंडीशन बताई थी, गुण संधि के लिए मैंने क्या कहा था, इसमें क्या चीज आती है, ए ओ आर, ये तो आपको पता ही है, ए ओ आर। ठीक है, यानी आप इसको सीधे पकड़ लोगे, जब ए ओ आर आएगा तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि यार यहाँ गुण संधि है। अब आप कहोगे सर ए ओ आर कैसे आएगा, जैसे ऐसे लिख दिया नरेंद्र, क्या लिख दिया नरेंद्र, तो क्या आ रहा है इसमें ए की मात्रा आ रही। ठीक है, जब ये सिंगल होता है तो यहाँ ए की मात्रा बोलते हैं, डबल होता है तो इसके ऊपर ये आई होता है। ठीक है, नरेंद्र। ओ कैसे समझोगे आप, जैसे परोपकार, परो ओ ए ओ आ गया ना, ओ यहाँ पे परो ओ, तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। ऐसे ही क्या पकड़ना है आपको, अर पकड़ना है, देखो ये क्या लिखा देवर्षि, क्या लिखा देवर्षि, यानी देव ऋषि, देवर्षि, देखो दे देवर्षि वर अर आ रहा है ना, देवर अर्षि देवर्षि, तो अर आ रहा, तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया कि इसका संधि विच्छेद बता भाई, मतलब अगर आपसे नरेंद्र ही लिख दिया तो आप कैसे मतलब करोगे, देखो नरेंद्र आपका संधि विच्छेद, आपसे पूछा तो एक काम कर नरेंद्र का संधि विच्छेद कर, कौन सा सही है। अब आपको सबसे पहले पकड़ना है, पहली कंडीशन क्या बताई थी कि तुरंत कैच करो कि संधि कौन सी है। आपने कहा सर ये गुण संधि है, मैंने कहा भाई बता कैसे है गुण संधि, आपने कहा सर आपने खुद कहा था जब ए ओ आर आएगा तो हमेशा गुण संधि होगी, देखो ए की मात्रा आ गई, ठीक हो गया। मैंने कहा चलो गुण संधि, मैंने कहा एक चीज बता फिर, अब तू चार ऑप्शन तुझे दिए गए है तो कैसे कहेगा कि ये गुण संधि का ये ऑप्शन सही है, विच्छेद में संधि विच्छेद। अब तूने कह दिया मेरे से सर एक चीज़ बताओ, आप खुद ही कहते हो कि हम ऐसे रूल तैयार करें, फिर खुद ही हमसे क्वेश्चन पूछते हो। मैंने कहा मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू कर लेगा, लेकिन यार गुरु हूँ ना, टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा चलो ठीक है सर मैं तैयार हूँ। नरेंद्र का मतलब है गुण संधि, जैसी आपको पता चला आपने एग्जैक्टली वो चीज़ पकड़ ली कि ये ए कैसे आता है। मैंने कहा भाई बता ए कैसे आता है, तो आपने खुद कह दिया कि सर जब ओ की सीरीज, अ की सीरीज किससे टकराती है, ई से टकराती है, यानी हमेशा याद रखना अ और छोटी ई, अ और बड़ी ई कभी भी होगा तो हमेशा देखना वो एक ही मात्रा में आ जाते हैं। ठीक है, यानी अ की सीरीज जब टकराएगी किससे, किससे टकराएगी, ई की सीरीज से। ठीक है, यानी ओ के बाद ई आ सकता है, ओ के बाद बड़ी ई आ सकता है, आ के बाद ई आ सकता है, आ के बाद बड़ी ई आ सकता है, तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, आ के बाद छोटी ई आ सकती है, आ के बाद बड़ी, कुछ भी, मतलब ये आपस में टकराएंगे, यानी पहला वर्ण इन दोनों में से कोई होगा, दूसरा वर्ण इन दोनों में से कोई होगा, तो इसका हमेशा जो रिजल्ट आता है मैंने क्या कहा था, ए आता है। तो आपने कहा ठीक है सर इसी वजह से। अब मैंने कहा तू कैसे पकड़ेगा, अब तूने क्या करना है, अपने मन से नहीं करना है, चार ऑप्शन देखेगा,
उसमें ये चेक करेगा कहाँ और आ वाली सीरीज आ रही है, कहाँ ई वाली सीरीज आ रही है, ताकि ये सेंटेंस क्या बन जाए अपने आप में पूरा का पूरा संधि विच्छेद। अब आपने कहा सर ऐसे तो हम कुछ भी पकड़ लेंगे, हो सकता है चारों ऑप्शन, मैंने उसके लिए कहा ना वो जो संधि विच्छेद किया होगा उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा, यानी जो पहला होगा और सेकेंड होगा उसका कोई ना कोई एक सार्थक अर्थ होगा, तो इसके लिए क्या बना नर प्लस इंद्र। देखो नर प्लस इंद्र, नर मतलब इंसान से मतलब है, इंद्र मतलब इंद्र से मतलब है, ठीक है। ये देखो क्या आया न र काय का मात्रा है अ की, यहाँ काय की मात्री है मात्रा है ई की, और मैंने क्या कहा अ और ई वाले सीरीज कभी भी आपस में आए, यानी पहले ये आए दूसरे आगे पीछे आने चाहिए, मतलब पहले वाले में इन दोनों में से कोई, दूसरे वाले में इन दोनों में से कोई, कभी भी अगर ऐसा होता है तो इसका परिणाम हमें मिलता है ए के रूप में, जो शब्द दिया होता है इस ए में ये छुपा होता है, ठीक है। ये मात्रा जो होती है ये सिंगल ए की होती है, तो इसका मतलब जहां कहीं आपको ये दिखा आपने तुरंत इसको क्या कर दिया टिक मार दिया। इसी तरीके से आपने कहा सर परोपकार भी बता दीजिए, मैंने कहा तू बता कौन सी संधि है, तूने कहा मेरे से सर ओ आ रहा है तो कौन सी संधि होगी गुण संधि, मैंने कहा तू बिल्कुल सही पढ़ रहा, तो मैंने कहा एक बार बता फिर तू कैसे इसका संधि विच्छेद करेगा। सर ये तो बहुत सिंपल है, मैंने कहा कैसे, मैं चार ऑप्शन देखूंगा, मैंने कहा चल देख फिर, मैं चार ऑप्शन देख के तुझे क्या मिलेगा, तू क्या चेक करना चाह रहा है। सर मैं ये चेक करना चाह रहा हूं इन चार विकल्पों में से, क्योंकि आता ओ है, ओ का मतलब होता है कि आपने ये कहा था हमेशा बच्चों एक चीज याद रखना, जब कभी भी याद रखना ओ की सीरीज ऊ से टकराएगी, यानी ओ की सीरीज अगर ऊ से टकराती है वो हमेशा ओ हो जाता है, अर्थात जैसे मैंने यहां ओ आर आ टकराया था ना, मैंने कल ही बताया था ओ या आ की सीरीज कभी भी ऊ या बड़ी ऊ से टकराएगा, हमेशा उसका परिणाम ओ होगा। मैंने कहा तूने पकड़ लिया ओ है परो, चित पता चल जाएगा गुण संधि, लेकिन संधि विच्छेद कैसे पता चलेगा, चेक करना है कि दो संधि विच्छेद में विकल्प दिए होंगे, पहला जो शब्द दिया होगा इन दोनों में से कोई आना चाहिए, सेकंड जो शब्द दिया होगा इन दोनों में से कोई आना चाहिए, और उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तब जाके वो क्या मिलेगा ये मिलेगा। तो मैंने कहा चल फिर तो कर इसको सही करके दिखा कैसे करेगा, आपने कहा मैं करके दिखाता हूँ सर, मैंने कहा चल हाँ बता परोपकार को कैसे इसको संधि विच्छेद करेगा, सर आप तो बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहे, मैंने कहा बता कैसे, पर प्लस उपकार, ये करना नहीं है घर यहाँ पे, यहाँ पे एग्जाम में खुद दिया गया होगा आपको, यानी एग्जाम हॉल पे जब आप बैठोगे उसने दिया होगा। मैंने कहा कैसे, पर मतलब पर अ की मात्रा आ गई सर, अ के बाद ऊ की मात्रा आ गई, इन दोनों के मिलने से हमेशा ओ बनता है, आपने खुद पढ़ा रखा है, इसीलिए क्या हो गया परोपकार हो गया। मैंने कहा चल ठीक हो गया, एक और बता फिर तो देवर्षि भी बता दे। सर ये भी बहुत सिंपल है, मैंने कहा कैसे, सर आपका आपने कहा था कि अर आएगा, अर आएगा, अर आते ही आपने कहा था कि गुण संधि होगा, ठीक है, देवर्षि, देखो क्या हो गया देवर्षि हो गया, अब आ रहा तो सीधे कौन सी संधि होगी गुण संधि। अब क्वेश्चन पूछ दिया संधि विच्छेद करो, तो आपने कहा सर सिंपल सी बात है संधि विच्छेद देव प्लस ऋषि, ये ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। अब आपने कहा देव, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि अर कैसे आता है, अर के लिए मैंने कंडीशन बताई थी बच्चों कभी भी ओ की सीरीज री से टकराएगी, ठीक है, हमेशा इसका अर्थ होता है अर, ठीक। अब आपने कहा सर देव, देव माने भगवान, यहाँ ओ आ रहा और यहाँ री आ रही, इन दोनों के रू भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कई लोग रू बोलते हैं, वो प्रोनंसिएशन सबका अपना अपना, कहीं री है बचपन में जिसने जैसा पढ़ा, कई री बोलते हैं कई रू बोलते हैं, तो देखना ओ और रॉ या रू या इन दोनों के मिलने से क्या बनता है अर बनता है, और आपने कहा था सर ओ की सीरीज कभी ओ या आ जब भी रू से मिलेगा तो उसका अर होगा, और यहाँ भी देखिए ये देव वो का ओ और इसका री बन गया, तो इन दोनों के मिलने से अर बनेगा, क्योंकि ये सेंटेंस में देवर अर बन गया ना, तो ये क्या हो गया अपने आपका गुण संधि। मैंने कहा बहुत सही जा रहा है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है बच्चों गुण संधि के बाद, वो भी हमने चेक करना है कि गुण संधि के बाद अगला कौन सा बताया था मैंने आपको, वृद्धि संधि, क्या बताया था वृद्धि संधि। सबसे पहला स्टेप कि आखिर शब्द में कौन सी संधि है, और वृद्धि संधि के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा ध्यान रखना ओ की सीरीज कभी भी टकराए, ओ की सीरीज ओ या आ मिलके कभी भी ए और आई से टकराएं, इन दोनों का क्या होगा आई होगा बड़ा वाला, ठीक है, इसका रिजल्ट ये मिलना है, और इसी प्रकार से ओ की सीरीज कभी भी ओ या आउ से टकराए तो इसका हमेशा क्या होगा रिजल्ट आओ होगा, यानी ये वाला होगा, मैंने कल ही बता रखा है, ठीक है। तो आपने कहा सर हम वृद्धि संधि पकड़ते हैं, सबसे पहले मैंने कहा चल एक एक दिया है, मैंने कहा इसमें बता कौन सी संधि है, सर बहुत सिंपल है, मैंने कहा कैसे सिंपल है, सर देखो आई की मात्रा ये आओ की मात्रा आ रखी है, आओ की मात्रा आई, सर ये बहुत इजीली मैं बता दूंगा कि कौन सी संधि है वृद्धि संधि। मैंने कहा चल ठीक है वृद्धि संधि तूने बता दी, लेकिन संधि विच्छेद पूछ दिया उसने, सर बहुत सिंपल है, मैंने कहा कैसे, सर ये पक्का जो आओ आया है
ये अगर वृद्धि संधि है तो आओ आने की एक ही कंडीशन है। मैंने कहा क्या कंडीशन है? आपने तुरंत दिमाग लगाया, सर आपने कहा था कि ओ या आ की श्री कभी भी ओ और आओ के श्री से टकराएगा तो इसका परिणाम हमेशा लास्ट वाला होगा, आओ होगा। मैंने कहा सर ठीक है। तो मैंने कहा तू अब कैसे करेगा भी संधि विच्छेद कैच कैसे करेगा? सर ये मैं बताता हूँ, संधि विच्छेद में कैच करूंगा वो इस तरीके से करूंगा कि जो ये आओ है इसको मैं चेक कर लूंगा कि विकल्प में कहाँ पर ये सीरीज इस सीरीज से टकरा रही है। तो मैंने कहा ठीक है तो कर लेना। उसने डायरेक्ट ऑप्शन में दिया था एक प्लस एक, ऐसा दे दिया उसने। अब आपको सर ये क्या है भाई? उसने ऑप्शन में दिया है, तुझे अपने मन से नहीं लिखना है, चार विकल्प दिए हैं, आपने सारे विकल्पों की टेस्टिंग की और आपने पता चला कि सर ये एक इन दोनों शब्दों का अर्थ भी है, इस एक का का मतलब अ और इस ए से ए मिल रहा। तो हमेशा याद रखना, हमेशा मतलब एक प्लस एक मिल रहा यानी ओ प्लस ए मिल रहा है, ओ प्लस ए मिल रहा और ए के मिलने से क्या बनता है यानी ओ की सीरीज ए से होगा, ठीक है, ओ की सीरीज ए से। एक कैक है ना ये, एक कैक ओ की सीरीज ये थोड़ा सा ऐसा है देखो, ओ की सीरीज ए से मिलेगी, ए से मिलेगी तो इसका अर्थ होता है क्या आई, ये होता है, ये होता है, ठीक है, थोड़ा करेक्शन है ये करना, ये होता है। मैंने क्या कहा, जब ये सिंगल दिखेगा आपको एक मात्रा, यहाँ डबल मात्रा होती है इसमें, ठीक है, और ये यहाँ पर अगर कुछ भी ना हो तो यहाँ सिंगल मात्रा होती है, पता होना चाहिए आपको। तो आपको पता चल गया सर ओ और ए, और हमेशा और ए मिलके क्या बनता है आई बनते हैं, ये पता चल गया हमको सीधे सीधे कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे एक एग्जाम्पल दिया है महोजस्वी, महोजस्वी सबसे पहले क्या करना है, औ ये देखो अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये जो मात्रा दिख रही नहीं ये इसका मतलब ये छुपा है इसमें, ये है ना, और यहाँ क्या दिख रही है आ की मात्रा के साथ, इसका मतलब औ छुपा है, औ छुपा है तो ये कहाँ आता है औ, आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ आता है औ, और औ जैसे ही आएगी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि। तो तुरंत आपने पकड़ दिया कि सर ये वृद्धि संधि है। मैंने कहा शाबाश बहुत अच्छा। मैंने कहा आप बता भी संधि विच्छेद कैसे करेगा, एग्जाम में अगर संधि विच्छेद दिया है तो? आपने कहा सर बहुत सिंपल है, मैं संधि विच्छेद भी करके दिखा दूंगा। मैंने कहा कैसा सर? वहाँ चार विकल्प दिए होंगे, उन चार विकल्पों में मैं ये दिखूंगा क्योंकि वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि के लिए औ कब आता था, जब अ की सीरीज ओ और आओ से टकराती थी, तो हमेशा आओ उसका परिणाम होता है। तो उसमें चार विकल्प दिए होंगे और सपोज उसमें एक सही विकल्प है महा प्लस ओजस्वी, दोनों शब्दों का अर्थ है देखो, महा प्लस ओजस्वी, इससे क्या आ गया आ की मात्रा निकल के आ गई, इससे क्या हो गया ओ की मात्रा, और आ और ओ यानी हमेशा याद रखना आ और ओ यानी इन सीरीज का इस सीरीज के साथ मिलना का परिणाम आउ होता है, जो कि हमारा इसमें आउ की मात्रा आ गई। इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, वृद्धि संधि को पकड़ लोगे, ठीक है। तो आज आपने गुण संधि और वृद्धि संधि वाले पोर्शन को सीख लिया। कल हमारा संधि का अंतिम पोर्शन रहेगा, यानी संधि का कौन सा रहेगा हमारा जो पोर्शन है वो रहेगा अपने आप में यण संधि। अब देखिए आपसे कभी भी पूछे दीर्घ गुण, तीसरा कौन सा होता है दीर्घ गुण, फिर कौन सा होता है जल्दी बताओ वृद्धि, ठीक है, इसके बाद हम यण और अयादि कल कंप्लीट कर लेंगे। इन तीनों संधि में कभी भी आपको अब क्वेश्चन में गड़बड़ या कोई भी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप बहुत इजीली इसको कर लेंगे। दीर्घ संधि का आपको पता चल गया, गुण संधि का पता चल गया, वृद्धि संधि का सिलेबस में जो दिए हैं, अब एक बचता है यण एक अयादि, कल हमारा संधि वाला पोर्शन एंड हो जाएगा, यानी क्लास 33 में 34-35 दो क्लासेस इसके बाद और बचेंगी हिंदी की। मुझे ये बता देना कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, बस कंप्यूटिंग वाला मत बताना क्योंकि उससे क्वेश्चन आना है नहीं, वो बड़ा टिपिकल टॉपिक है, मतलब क्या पढ़ाएगा आदमी उस पर भी, ठीक है, एक नंबर छोड़ ही देना। डे 32 में हिंदी आपका ये था, ठीक है। अब आता है जीएस का क्वेश्चन, ठीक है, तो सीधे हम शुरुआत करेंगे अगला जीएस से, और कंप्यूटर और जो अगला पोर्शन है रीजनिंग वाला और जो आपका वो 35 क्लास के बाद शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, महात्मा बुद्ध है, ठीक है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किस जगह पर हुआ था, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये है बच्चों बोधगया पे, बोधगया वर्तमान बिहार में पड़ता है, कहाँ पड़ता है बिहार में, और ये क्या चल रहा है बताए आपको NCERT 6th, अब 6th के स्टैंडर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन है, सोच लो, ठीक है। बोधगया यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, बोधगया जो कि बिहार में पड़ता है, इसके ब्रैकेट में लिखो पीपल के वृक्ष के नीचे मिला था उसको, ठीक है, ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन लिखो, बुद्ध का सर्वप्रथम उपदेश, बुद्ध का महात्मा बुद्ध का, ठीक है, सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने जो दिया था वो किस स्थान पे दिया था, वो दिया था सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ पड़ता वाराणसी, सारनाथ, और ये सारनाथ कहाँ पड़ता है आपका वाराणसी,
सारनाथ कहां पड़ता है? वाराणसी। यहां पहला उपदेश उन्होंने दिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर उन्होंने स्तूप का निर्माण भी किया, ठीक है, बुद्ध का उपदेश स्तूप निर्माण भी किया, लिखूं स्तूप निर्माण भी किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, बुद्ध का जन्म लगभग कब हुआ था? ये तो मुझे तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वैसे आएगा नहीं, ठीक है, फिर भी लिखो। बुद्ध का जन्म ये हुआ था बच्चों 563 BC यानी ईसा पूर्व, यानी लगभग आपका अपने आप में कितना बताता है, आज से 2500 वर्ष के आसपास, तो 563 BC लिख लो या ईसा पूर्व लिख लो, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखना है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है लोगों को किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? प्राकृत। और जबकि इनको जो लिखा था उसकी, ये NCERT कहती है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसका लेखन कार्य हुआ था पाली भाषा में। लेखन किस भाषा में हुआ था? पाली भाषा में हुआ था लेखन, इसको लिख लेना, ठीक है। लेखन किस भाषा में किया गया था? इसको पाली भाषा में किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी बुद्ध की जो शिक्षा थी प्राकृत भाषा में थी, और लेखन किस भाषा में हुआ था? उसका पाली भाषा में हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, बुद्ध की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? कुशीनारा में। कुशीनारा में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। यानी बुद्ध को जो मृत्यु हुई थी वो किस जगह पे हुई थी? कुशीनारा। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो किस हुई थी? कुशीनारा यूपी में, कुशीनगर, कुशीनारा, ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला लिखो, बुद्ध ने दुख का कारण किसको बताया? बुद्ध द्वारा दुख का कारण, बुद्ध के अनुसार इंसान के दुख का कारण क्या है, मतलब, ठीक है, इंसान के दुख का कारण उन्होंने बताया था बच्चों कि तृष्णा से, मतलब तृष्णा यानी लालसा। जब इंसान को तृष्णा होती है कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, यानी अगर उसको किसी चीज़ को पाने की लालसा होती है और उसको वो नहीं मिला, तो वो उसके दुख का कारण बनता है। तो बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है बच्चों? तृष्णा या लालसा। और उसने इसकी मुक्ति का उपाय बताया आत्मसंयम का मार्ग बताकर, ठीक है, लिखो। बुद्ध ने तृष्णा की मुक्ति का उपाय क्या बताया? बुद्ध ने तृष्णा की मुक्ति का उपाय, यानी दो तरीके से क्वेश्चन, या तो पूछ सकता है बुद्ध ने दुख के कारण जो थे उसके निवारण के लिए क्या उपाय बताया, या मुक्ति का उपाय क्या बताया, दुख से मुक्ति का उपाय बताया, आत्मसंयम। यानी अगर आपके अंदर धैर्य है, आत्मसंयम है, तो आप लोग क्या कर लोगे? तृष्णा पाद आत्म संयम, ठीक है, आप लोग क्या करोगे? अगर आत्मसंयम से जी रहे हो तो मुक्ति हो जाएगी आपको, दुख आपका जो होगा कंट्रोल हो जाएगा। अगला लिखो, जैन शब्द जिन शब्द से, जैन का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म में जैन का अर्थ लिखो, जैन का अर्थ, जैन का अर्थ होता है बच्चों विजेता, ठीक है। जैन धर्म में जैन सुना होगा ना आपने, जैन का अर्थ अपने आप में क्या होता है? विजेता होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन है NCERT में। अगला लिखो, बुद्ध किस, मतलब कुल के या कहाँ से किस गण बनते थे ना पहले, जैसे गणराज्य छोटे छोटे, बुद्ध लिखो शाक्य गण के थे। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, बुद्ध का संबंध किस गण से है, आया था एक बार, तो बुद्ध अपने आप में शाक्य गण से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और शाक्य गण में भी उनका जो था उसके राजकुमार थे वो, ठीक है। अगला लिखना है, बुद्ध संघ में संघ था, संघ यानी बुद्ध जो बौद्ध धर्म था उसमें संघ का क्या अर्थ लिखो। अगला लिखो, बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या था, यानी संघ क्या था। अगला लिखो, बौद्ध धर्म में संघ क्या था, यानी ये संघ किस चीज को, संघ किस चीज को इंडिकेट करता है। संघ करता है बच्चों अपने आप में भिक्षु और भिक्षुणियों का एक संगठन, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो भिक्षु थे और भिक्षुणियां थी, इनका एक संगठन अपने आप में क्या कहलाया? संघ कहलाया, ठीक है। ये क्या कहलाता है? संघ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है। अगला लिखना है आपको, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम मिलते हैं किसमें? विनय पटक। अब आप देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन से हैं? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक लिखोगे, ठीक है, त्रिपिटक कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। विनय पिटक, सुप्त पिटक, ये क्या क्या तीन पिटक क्या हैं, और इंडिविजुअल किस पिटक में क्या होता है। मैं ध्यान से सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही लगा दे रहा हूं, अगर नहीं कर सकते हो इसको तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत भी क्रिएट हो सकती है। आप लोगों को क्या करना है, तीन पिटक हैं, ठीक है, यानी तीन एक प्रकार की किताबें हैं बौद्ध धर्म की, इनको त्रिपिटक बोला जाता है। आपको क्या कहना है, तीनों के नाम और किस किताब में क्या किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, देखिए त्रिपिटक कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए और किस पिटक में क्या चीज है। जैसे इनमें से एक पिटक है बच्चों विनय पिटक, विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें क्या चीज है, जो बौद्ध भिक्षु है ना उनके लिए नियम बनाए गए हैं, यानी विनय पिटक के आगे लिखो इस ग्रंथ के अंदर बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम,
हेतु जो रूल रूल बनाए गए हैं, ठीक है, क्या क्या नियम होंगे, ये किसके अंदर है, विनय पिटक। इसी प्रकार से सुक्त पिटक है, आप लोग चेक कर लेना, तीन के तीन पिटक में किस तरह से क्या अर्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर विनय पिटक नहीं आया पेपर में, तो कोई दूसरा आया और आपने गलत कर दिया उस दिन, तो फिर आप मुझसे बुरा कोई नहीं, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ लिखो, उपनिषद ये कौन से ग्रंथ है, उत्तर वैदिक कालीन काल बताया था, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका मतलब है तो गुरु के पास बैठना, ठीक है, लिखो गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, यानी गुरु के समीप बैठना ही अपने आप में क्या कहलाता है, ये मतलब उपनिषद का ये शाब्दिक अर्थ है कि गुरु के आप समीप बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है, सब सिक्स्थ की बुक में, ये है सिक्स्थ की बुक में, ठीक है। अष्टाध्यायी लिखिए बच्चों, पाणिनी ने, पाणिनी के द्वारा लिखी गई है और ये व्याकरण से संबंधित है, इसकी भाषा संस्कृत है, ठीक है, भाषा क्या है, संस्कृत है, और ये अष्टाध्यायी जो है व्याकरण से संबंधित है, देखो ग्रामर, ठीक है, व्याकरण से ही क्या है अपने आप में संबंधित है। अगला लिखना है आपको, जातक कथाओं का संकलन, यानी जातक कथाओं का संकलन किसने किया, लिखो जातक कथाओं का संकलन, ये क्या था बच्चों, बौद्ध भिक्षु ने, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, यदि सीधे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है जातक कथाएं किस संबंधित है, और इसका मतलब किसने किया था, बौद्ध अनुयायियों द्वारा, जो बौद्ध को फॉलो करते थे, बौद्ध अनुयायियों द्वारा, ठीक है, जातक कथाओं का संकलन। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जातक कथाओं का संबंध किससे है, तब जाके क्वेश्चन में आ जाना चाहिए आपका, बौद्ध धर्म से ये संबंधित अपने आप में है, ये सब सिक्स्थ की किताब में, ठीक है। एक आपने ये सुना होगा, ये खैर इंपॉर्टेंट उतना नहीं है आपका, जरथुस्त, ये क्या है, मतलब ये जरथुस्त जो है इसकी मतलब जैन अवस्था, ये है ईरानी पैगंबर, ठीक है। जरथुस्त कौन है, लिखो ईरानी पैगंबर, जैसे ईरान के थे पैगंबर, ठीक है, धर्मगुरु टाइप के पैगंबर, इनकी जो मतलब अपने आप में इनका जो धर्म है, जरथुस्त धर्म कहलाता है इनको फॉलो करने वाले, और जो जरथुस्त है ना, इनकी जो अपने आप में संकलन है, इनकी शिक्षाओं का संकलन, लिखो जैन अवस्था नामक ग्रंथ में, लिखो जरथुस्त की शिक्षाओं का संकलन, जरथुस्त की शिक्षा का संकलन किस में है, जैन अवस्था में, ठीक है, जैन अवस्था, ये बहुत फेमस बुक हुआ करती है विश्व लेवल पे, ठीक है। जैन अवस्था में इनकी शिक्षाओं का संकलन है, और ईरानी पैगंबर थे, और इनके जो मूल शिक्षा है, यानी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य, सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य, ठीक है, सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य, इनकी जो मूल शिक्षाएं हैं, क्या क्या हैं, सद, मैं साथ साथ ही लिख देता हूँ, विचार, इसके अलावा क्या है, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, ठीक है, इनकी शिक्षाओं का मूल है, मतलब मूल शिक्षा इनकी ये है जरथुस्त की, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, अब देखो बुद्ध के जीवन है, बौद्ध धर्म जो है उसके जीवन से संबंधित कुछ चीजें हैं जिनका अपने आप में अलग अलग अर्थ निकलता है, यानी यहाँ पर लिखो जन्म का प्रतीक क्या है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक लिखना आप, कमल एवं सांड, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, ठीक है। सेकंड लिखना है, बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ठीक है। थर्ड लिखना है, बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है बोधि वृक्ष, यानी पीपल का वृक्ष जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिख लो पीपल, ठीक है। थर्ड लिखना है, बुद्ध के मतलब फोर्थ, बुद्ध के निर्वाण का अर्थ है पद चिन्ह, पद चिन्ह, ये सब साइन है उसके, ठीक है। और बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप, यानी अगर कभी क्वेश्चन मिलाने को पूछेगा तो ध्यान देना। अब एनसीईआरटी में दो ही दिए थे, तो मैंने आपका ये बाकी के पांच चार भी तीन भी बता दिए, तो ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है बोधि वृक्ष, बुद्ध के निर्वाण का, निर्वाण वगैरह क्या होता है मैं आपको बता दूंगा जब डीप क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सब चीजें बेसिक है, मैं आपको इजिली समझा दूंगा। एक प्रकार से निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है, आप दुनिया के मोह माया से छोड़ के, आपको सुख दुख सब हटा के आप एक कॉमन इंसान बन, ठीक है, मतलब आपको कुछ मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वहां से निर्वाण की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। अगला लिखो, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए, हमेशा याद रखना श्रावस्ती में, जो कि कौशल की राजधानी है, ठीक है, श्रावस्ती, ब्रैकेट में लिखो कौशल की राजधानी, कौशल महाजनपद बताया था ना, कौशल की राजधानी,
कल बताया था मैंने आपको, श्रावस्ती में इसने सबसे ज्यादा स्तूप दिए। ठीक है, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, जो विश्व दुखों से भरा है सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया? अगला लिखो, विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया? यह सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया? उपनिषद से। लिखो, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया? उपनिषद से लिया, उपनिषदों से लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ कौन सा नहीं आया है? बुद्ध धम्म और संघ, ये त्रिरत्न बोला जाता है, संघ जो अभी मैंने बताया था, धम्म इनके धर्म से संबंधित है, बुद्ध बुद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, बौद्ध धर्म में विहार क्या होते थे? विहार नहीं है, विहार, विहार होता था बच्चों अपने आप में, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी की शरण स्थली। लिखो, बौद्ध भिक्षु प्लस भिक्षुणियों की शरण स्थली, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं की शरण स्थली को क्या बोला जाता था? बौद्ध धर्म में विहार बोला जाता था। ठीक है, अगला लिखना आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्ले की गुफा किस राज्य में है? कार्ले की गुफा ये है महाराष्ट्र में, किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। सबके सब अपने आप में क्या है ये, मतलब जो किसी से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया आपका आज की क्लास का क्या, जीएस वाला पोर्शन। इसके बाद आता है आज की क्लास का उत्तराखंड। बिना उत्तराखंड पढ़े तो मुझे पता है आपको तृप्ति मिलने वाली है भी नहीं, और मिलनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, बिना उत्तराखंड पढ़े कैसे होगा बताओ, आप तो परेशान हो जाओगे, छोटी सी आत्मा है आपकी, इतना परेशान, इतना तनाव भी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना उत्तराखंड का आप लोगों के, चंद वंश का जो संस्थापक है, लिखो चंद वंश का संस्थापक, बहुत इजी है आपको, सोमचंद, अगर ये क्वेश्चन अगर पूछता है इस तरीके से पूछ सकता है कि चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को मानने वाले इतिहासकारों में कौन समझे हैं? एटकिंसन और बी डी दत्त पांडे। लिखो, जो एटकिंसन साहब हैं प्लस जो बद्री दत्त पांडे जी हैं, इन्होंने क्या माना है चंद्रवंश को, सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक, जबकि कुछ और विद्वान चंद्रवंश का संस्थापक इसको मानते हैं थोहर चंद को, और थोहर चंद को मानने वाले इतिहासकार अपने आप में आते हैं हैमिल्टन, कठौस और फ्रेजर। ठीक है, देखो हैमिल्टन, कठौस और फ्रेजर, ये आप लोग मतलब अगर आएगा दो कुछ चंद्रवंश का संस्थापक, बेसिकली ज्यादातर यही माना जाता है। ठीक है, सोमचंद ही करना, एटकिंसन और बीडी पांडे जी मानते हैं, जबकि हैमिल्टन, कठौस और फ्रेजर इसको किसको मानते हैं? थोहर चंद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, चंपावत की जो चंद्रवंश की राजधानी चंपावत कब थी? ठीक है, देखो कब तक थी चंद्रवंश की राजधानी चंपावत कब तक थी? चंद्रवंश की राजधानी चंपावत कब तक थी? तो 1563 तक चंपावत थी, और 1563 के बाद इन्होंने क्या कर दिया, सेकंड राजधानी इनकी अल्मोड़ा में इन्होंने शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो लिखो चंद्रवंश की राजधानी अल्मोड़ा कब शिफ्ट हुई थी? चंद्रवंश की राजधानी अल्मोड़ा, चंद्रवंश की राजधानी अल्मोड़ा कब शिफ्ट हुई थी? 1563 मिड में। ठीक है, 1563-64 से इनने राजधानी को अल्मोड़ा शिफ्ट कर दिया था, बालो कल्याण चंद जो थे अल्मोड़ा राजधानी शिफ्ट कर लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, राजबुंगा का किला कहां पर स्थित है, किनके समय का है? राजबुंगा किला ये है बच्चों चंपावत में, और ये चंपावत में राजबुंगा किला किसने बनाया था अगर पूछेगा तो तुरंत बता देना अच्छे बच्चों की तरह, सोमचंद साहब ने राजबुंगा के किले का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, चार किलेदार यानी चाराल व्यवस्था किस वंश से संबंधित है? चाराल व्यवस्था या चार किलेदार किस वंश से संबंधित है? चंद वंश से, चाराल या चार किलेदार, किलेदार व्यवस्था किस वंश से संबंधित है? चंद वंश से। इस चाराल में कौन कौन थे, कभी हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे। ठीक है, तो चंद वंश में जो इनके कारकी लोग हैं, या जो बोरा लोग हैं, या अपने आप में तड़ागी लोग हैं, या अपने आप में चौधरी लोग हैं, ठीक है, ये चंद व्यवस्था के चाराल कहलाते थे, मतलब उनकी एक प्रकार की टुकड़ी थी ये, जो कि उनके मतलब व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें महत्वपूर्ण क्या करते थे, भूमिका निभाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, सर्वप्रथम दोणकोट रावत के राजा को पराजित करने वाला चंद शासक कौन था? लिखो, सर्वप्रथम दोणकोट
इसके ब्रैकेट में रावत लिखो, ठीक है, को पराजित करने वाला, को पराजित करने वाला राजा कौन था? सोमचंद था, ठीक है। सोमचंद साहब ने दोनकोट के राजा रावत को पराजित किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है, चंद्रवंश का राज चिन्ह क्या है? गाय, ये तो पता ही होगा, राज्य चिन्ह लिखो, चंद्रवंश का राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह, यानी उनका जो राज्य चिन्ह होता था वो क्या थी? गाय थी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है पेपर में, अब आना तो मुश्किल है, ठीक है। अगला लिखो, रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन किसने शुरू किया था? इंद्रचंद ने। रेशम व रेशम वस्त्रों का उत्पादन करने वाला चंद शासक, रेशम प्लस रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू करने वाला चंद शासक लिखो, इंद्रचंद ने। इंद्रचंद साहब ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन किया था, ठीक है। अगला लिखना आपको, अपनी राजधानी अल्मोड़ा से चंपावत शिफ्ट किसने की थी? राजधानी लिखो, राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट, चंपावत से अल्मोड़ा जो राजधानी शिफ्ट की थी वो की थी बच्चों बालो कल्याण चंद्र ने 1563 में, ठीक है। क्या लिखोगे? बालो कल्याण चंद्र। ये क्रैश कोर्स ना उन लोगों के लिए तो बहुत फायदा कर जाएगा जो मतलब नए बच्चे पहली बार मतलब जो कांस्टेबल वगैरह हैं तुरंत एग्जाम है, क्योंकि 90 डेज में मैं लगभग मैक्सिमम पोर्शन कवर कर जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा अगर आपने पढ़ा होगा तो काम बन जाएगा। अगला लिखो, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने वाला पहला चंद शासक लिखो, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने वाला पहला चंद शासक, भेंट अर्पित करने वाला पहला चंद शासक था गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है। क्या लिखोगे? गरुड़ ज्ञानचंद, इसको ज्ञानचंद गरुड़ की उपाधि दी गई, ठीक है, ज्ञानचंद, ठीक है। और यहाँ पे इसको गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता है, गरुड़ की उपाधि लिख दो इसके ब्रैकेट में, गरुड़ की उपाधि लेके आए थे भाई साहब वहाँ से, गरुड़ ज्ञानचंद इनका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध लिख लीजिए ज्ञानचंद से, गोबासा ताम्रपत्र, गोबासा ताम्रपंत पत्र का संबंध है ज्ञानचंद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? लिखो, श्री राजा विजय ब्रह्म, श्री राजा विजय ब्रह्म, श्री राजा विजय ब्रह्म कहाँ कहा गया? मझेड़ा ताम्रपत्र में, ब्रैकेट में लिखो, मझेड़ा ताम्रपत्र में ये कहा गया बच्चों ज्ञानचंद को, ठीक है। ज्ञानचंद को जो एक और उपाधि दी गई श्री राजा विजय कहा गया मझेड़ा ताम्रपत्र में, ये किसको कहा गया? गरुड़ ज्ञानचंद को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक किसको कहते थे? चंद्रवंश में, चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक, चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया बच्चों देवी चंद को, ठीक है, देवी चंद को, यानी किसे चंदवंश में मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया? देवी चंद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाला चंद शासक, बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार मतलब रिपेयर, ये क्या था बच्चों? अब दो चीज है, देखो मंदिर का जीर्णोद्धार ऐसा नहीं कि एक ही इंसान करे दूसरा नहीं कर सकता है, मैक्सिमम जो किताबें हैं उसमें उद्यान चंद दिया है, कहीं इसको सोमचंद भी दिया है, अगर दोनों आएंगे तो उद्यान चंद को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, उद्यान चंद को दिया है, यानी बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, ब्रैकेट में लिखो कुंज शर्मा तिवारी नामक ब्राह्मण की सहायता से, ब्रैकेट में लिखो कुंज तिवारी नामक ब्राह्मण की सहायता से, कुंज तिवारी नामक ब्राह्मण की सहायता से, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो कुंज तिवारी नामक ब्राह्मण की सहायता से, कुंज तिवारी नामक ब्राह्मण की सहायता से इसने क्या किया था? इसका मतलब रिपेयर किया था, ठीक है। अगला लिखना है आपको, रुद्रचंद, एक तो इससे ये आता है अकबर का समकालीन था, अकबर का समकालीन, यानी कौन सा चंद शासक अकबर का समकालीन था? रुद्रचंद। दूसरा, धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखाई थी, धर्म निर्णय पुस्तक किसकी है? रुद्रचंद की है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए। अगला, चंद व मुगलों के संबंध में जानकारी, यानी चंद प्लस मुगल जानकारी मिलती है,
जानकारी इनके संबंध के बारे में, ठीक है, यानी चंद और मुगलों का क्या संबंध था इनके बारे में जानकारी का एक सोर्स है, वह है जहांगीरनामा व शाहनामा। कहीं अगर क्वेश्चन आएगा कि कहीं मतलब कौन सी बुक, जहांगीर नामा प्लस शाहनामा, अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा एक स्रोत चंद और मुगल की जानकारी का स्रोत है या नहीं है, तो उसमें जहांगीरनामा और शाहनामा का दोनों का अपने आप में रोल रहेगा, दोनों का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, लाल मंडी किला यानी फोर्ट मोयरा का निर्माण किसने किया था, कल्याण चंद ने। लिखो लाल मंडी किला या इसी को फोर्ट मोयरा किला, फोर्ट मोयरा किले का निर्माण किसने किया था, कल्याण चंद ने, ठीक है, किसने किया था, कल्याण चंद ने फोर्ट मोयरा किले का निर्माण किया था, ये भी आपको आना चाहिए था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद शासक के समय हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस क्वेश्चन को, ठीक है, नायक जाति की उत्पत्ति लिखो किसके समय हुई थी, भारती चंद के समय, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारती चंद, भारती चंद यानी नायक जाति की जो उत्पत्ति होती है वो किस चंद शासक के समय होती है, भारती चंद, ठीक है। अगला लिखना आपको, खगमरे किले का निर्माण किसने किया था, भीष्म चंद ने। अगला लिखो, खगमरे किले का निर्माण भीष्म चंद ने अल्मोड़ा में, ठीक है, लिखो खगमरा किला किसका है, भीष्म चंद का, और कहां है, अल्मोड़ा में। खगमरे किले का निर्माण भीष्म चंद ने कहां पर कराया था, अल्मोड़ा में कराया था। अगला लिखना आपको, मल्ला महल किला रुद्रचंद, मल्ला महल किला कहां है, रुद्रचंद ने कराया था, ठीक है, और कहां पर कराया था, अल्मोड़ा, क्योंकि बाद में अल्मोड़ा ही शिफ्ट हो गए थे, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, सयाणा प्लस बूढ़ा तथा कमीणा जैसे राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की थी, लिखो सयाणा प्लस बूढ़ा प्लस कमीणा ये किसके समय में थे, चंद के समय में, चंद समय में राजस्व अधिकारी यानी अपने आप में एक बार वो क्या करते थे, रेवेन्यू वगैरह लेना वगैरह, ठीक है, और किसने कराए थे, सोमचंद द्वारा नियुक्ति, लिखो सोमचंद द्वारा नियुक्ति हुई थी इन की, किसकी, सयाणा बूढ़ा और कमीणा के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखना आज का आपको, चौथानी ब्राह्मण नियुक्ति किसने किए थे, सोमचंद ने, ठीक है, चौथानी ब्राह्मण, चौथानी ब्राह्मण किसने नियुक्त किए थे, सोमचंद ने, ठीक है। ये हैं आपके आज के उत्तराखंड के क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन तो और बनाए थे मैंने आज के लिए, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा कि इतना टाइम हो नहीं पाता, लेंदी वीडियो चले जाती है वो, आप लोग इसको देखना, इससे आगे को हम कल कंटिन्यू करेंगे। मान के चलिए डे 35 तक हम कोशिश करेंगे आज से 3 क्लास में पवार लगभग एंड करने की, मैं कह नहीं सकता कि पवार वन से एंड हो जाएगा, लेकिन लगभग एंड करने की, क्योंकि सोमचंद की मैं सोच रहा हूँ कि 2 वीडियो इसके बाद और दूंगा, उसके बाद 1 वीडियो आपकी पवार वन से मैं एंट्री के लिए हो जाएगी, ठीक है। मतलब तीसरे दिन जो होगा 35वें दिन हम एटलीस्ट एंट्री कर जाएंगे पवार में, या 3 दिनों के बाद आज से सोमचंद वाला हम एंड कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।